मुझे हंसना, हंसाना, मस्ती करना, खुशियां बांटना, पॉजिटिविटी रखना हर जगह, वो बहुत ज्यादा पसंद है। बिल्कुल बिग बॉस के मैं कुछ एपिसोड्स देखा था मैंने, लास्ट सीजन के भी, तो बहुत झगड़ा होता है, मारना वारना होता है। मुझे लगता है नंबर ऑफ डेज जो पेमेंट्स को लेके हैं वो थोड़े कम हो जाने चाहिए, डिसिप्लिन, बिकॉज ऐसे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जिन, आई लव प्रोडक्टिव, बहू हमारी रजनीकांत क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि इट्स वेरी रिलेटेबल। एंड इट इज रेयर, आया नहीं है उसके बाद ऐसा कोई नहीं, शो ऐसा कुछ नहीं कि कोई शो नहीं आया है उस वैसा। कॉन्सेप्ट पे। वो जो, हाय दिस इज नील समर्थ एंड यू आर वाचिंग मी ऑन बॉलीवुड स्पाई। कीप वाचिंग। ऑलराइट, हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड स्पाई। नील, हाउ आर यू डूइंग? आई एम डूइंग ग्रेट, थैंक यू। वेलकम। प्लीज बताइए व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं? हाउ अबाउट स्टार्टिंग द इंटरव्यू विद व्हाट यू वांट टू डू और यू आर लुकिंग फॉरवर्ड करंटली फॉर? So far, by God's grace, I've done very good work. यस All the shades I've played, and यस I'm happy with that. I'm thankful to God. I'm grateful. What I'm looking forward is something which is more of gangsterish kind of roles, because that's always been my desire कि मैं कंपनी का विवेक ओबेरॉय या वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई जैसा कुछ रोल करूं। जैसे अभी एक वेब सीरीज आई है बम्बई मेरी जान, जिसमें यस अविनाश तिवारी है, प्लेड यस रियली वेरी वेल। सो आई थिंक मुझ में वो एक साइड है जो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मिर्जापुर टाइप्स, यू नो। आई एम लुकिंग यस फॉरवर्ड कुछ ऐसा प्रोजेक्ट करने का। अमेजिंग। एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि आपको ऐसा कोई प्रोजेक्ट जल्दी ऑफर हो और आप नजर आए इसी तरह के कैरेक्टर में। चल रही है कुछ बातें, बनाऊंगा। हाँ, ओके नील, सबसे पहले तो मेरा एक और सवाल है कि आपने नील मोटवानी चेंज करके नील समर्थ कर दिया है, जी इसका क्या कारण है? बहुत स्पिरिचुअल कारण है इसका। एक आर्टिकल भी आया है, प्रशांत जी ने पब्लिश करवाया था। सो 2020 में एक फिल्म कर रहा था और वहां पे मैं वॉकआउट कर रहा था, अपने घर में जिम बना रखा है तो वॉकआउट कर रहा था। एंड मेरे को ऐसा लगा कि मुझे सिर्फ स्क्रीन के लिए, बड़ी स्क्रीन के लिए एक अच्छा सा नाम रखना है। मोटवानी में कोई खराबी नहीं, इट्स अमेजिंग, बट जैसे कि आपने देखा अक्षय कुमार हैज चेंज, यूसुफ साहब हैज चेंज, तो एक नाम होता है जो आपके लिए बहुत, तो फर्स्ट नेम विच आई गेट, क्योंकि मेरा मंदिर भी जो है एकदम जिम को लग के ही है। एंड आई हैव ऑलवेज बिन व्हाट डू यू कॉल, भक्त ऑफ स्वामी समर्थ जी। जी यस सो मुझे ऐसा लगा, फर्स्ट नेम विच केम इन माई माइंड, एंड आई एम ग्लैड कि मेरे, मुझे कोई ऑप्शन ही नहीं था, बट दैट वॉज समर। प्लस माई गुरु स्लोगन इज भ्यू नकोस मी तुझे पाठीशी आए, जिसका मतलब है कि घबराना मत, मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ। तो उनके नाम के आगे मैंने अपना नाम लगा दिया, और ये मेरे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है कि उस टाइम उन्होंने बुद्धि दी मुझे, तो वैसे वो नील समर्थ हुआ। तो बेस्ट पार्ट इज मैंने मॉम को कॉल किया और मैंने कहा, मॉम मैं ये चेंज कर रहा हूँ, रिलेटिव्स बोलेंगे कि व्हाई व्हाई इज ही चेंजिंग एंड ऑल, यू नो, करेक्ट सो आपको बहुत सुनने मिलेगा। एंड दैट्स सो स्वीट ऑफ हर कि उन्होंने इंस्टेंटली कहा, तू कर ले, मैं देख लूंगी तुझे जो सही लगता है कर ले। एंड आई एम ग्लैड मैंने अपना नाम नील समर्थ रखा है, जिससे कि हमेशा अब मेरे गुरु का नाम मेरे नाम के पीछे रहेगा, मतलब मेरा नाम उनके आगे रहेगा, जैसा भी बोल लो, रिस्पेक्टफुली वो ही मेरे लिए सब कुछ है। डेफिनेटली। नील, मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगी कि फिलहाल इट्स बीन अ लॉन्ग जर्नी इन द इंडस्ट्री, काफी लंबा समय हो गया आप टेलीविजन के लिए काम कर रहे हैं, जी आपको ऐसा कोई चेंज नजर आना चाहिए या ना, यानी कि आप चाहते हैं कि ऐसा कोई चेंज आए इंडस्ट्री में फॉर द आर्टिस्ट, जो उनके लिए बेनिफिट हो, या फिर जो जिस चीज से वो लोग फेस कर रहे हैं बट दे आर नॉट एबल टू टॉक अबाउट इट, देयर इज नो कॉन्वर्सेशन, यू नो। Honestly, if the idea is that मुझे लगता है नंबर ऑफ डेज जो पेमेंट्स को लेके हैं वो थोड़े कम हो जाने चाहिए, डिसिप्लिन। बिकॉज ऐसे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जिनका पैशन है, जो अपने पैशन के लिए, अपने सपनों के लिए बॉम्बे आते हैं, और यहाँ पे उनको जब काम ढूंढने को बहुत वक्त लग जाता है, उसके बाद काम करने के बाद 3 महीना वेट करना पड़ता है, वो कैसे सर्वाइव करते हैं, वो मैंने उनको पर्सनली बहुत सारे लोगों को देखा है, और वो अच्छा नहीं है। एक आर्टिस्ट जब अपनी सोल से खुश ना रहे, अपनी आत्मा से खुश ना रहे, दिल से, तो वो काम कैसे करेगा? तो हर बार मजबूरी में काम करता है, और मुझे लगता है कि जब इंसान खुशी से कोई काम करता है वो ज्यादा निखर के आता है। और बस ये मैं एक बहुत बड़ा चेंज चाहता हूँ कि, और मुझे लगता है कि इक्वली, चाहे वो लीड हो, पैरेलल लीड हो, या एक कैमियो
रोल के लिए, एक छोटा सा कैरेक्टर हो, कैरेक्टर हो, इक्वली सबको रिस्पेक्ट वैसे ही मिलनी चाहिए। बिल्कुल नील, यू हैव बीन अ आर्टिस्ट जो हमेशा ओपिनियंस अपने सामने रखते हैं जी। जैसे कि पहले आपने एक बार बताया था दैट इंडस्ट्री इज बिकमिंग अ हब फॉर डिप्रेशन एंड एंजाइटी जी, एंड अभी जब आपने ये भी एक चीज हमें बताई है दैट यू वांट टू सी अ चेंज जहां पर ऐसी सिचुएशन हो, नंबर ऑफ डेज और जो भी है डिसिप्लिन आ जाए हर चीज में जी। इसके अलावा आपको ये ओपिनियन रखना कहीं ना कहीं कभी भारी पड़ता है या फिर बैकलैश मिलता है इसके कारण? देखिए कोई फर्क नहीं पड़ता ऑनेस्टली, मैंने एक बहुत ही फेयर चीज कही है और ये मैं मेरे लिए तो ऑफकोर्स ठीक है, आई एम फ्रॉम अ गुड फैमिली, वेल टू डू फैमिली, बाय गॉड्स ग्रेस ऊपर वाले ने कभी कमी नहीं दी, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो रोते हैं, जिनकी सोल बहुत दुखती है, ये उनके तरफ से ये अपील है मेरे तरफ, मैं कर रहा हूँ तो मुझे कोई इसका रिग्रेट नहीं है। ये तो एक आइडिया है, आप एक प्रपोजल रखते हैं, कभी एक्सेप्ट हो जाती है कभी नहीं होती है, मैं सिर्फ उनकी आवाज जो है वो आप तक पहुंचा रहा हूं अपने जरिए, दैट्स इट, मुझे कोई रिग्रेट या डर नहीं है इस चीज का। लास्ट शो और वर्क दैट यू आर वेरी सैटिस्फाइड विद, हां मैंने ये जो किया था दिस वाज समथिंग वेरी प्रोडक्टिव, आई लव बहु हमारी रजनीकांत क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि इट्स वेरी रिलेटेबल एंड इट इज रेयर, आया नहीं है उसके बाद ऐसा कोई शो? नहीं ऐसा कुछ नहीं कि कोई शो नहीं आया है उस कांसेप्ट पे, वैसा वो जो कैरेक्टर मैंने प्ले किया था जो पैरेलल लीड था, हाँ। देव, मुझे वो पर्सनली ज्यादा पसंद क्यों है क्योंकि वो एक बहुत ही नाइव और डिसेंट और बहुत साफ दिल का बंदा था, तो एक तो खाता रहता था हमेशा सो दुनिया अभी हम इतने लोगों से मिलते हैं, कई लोग मैनिपुलेट करते हैं, डिप्लोमेटिक रहते हैं, वो जो कैरेक्टर था वो बहुत ट्रांसपेरेंट था, बहुत सिंपल था, मुझे लगता है सिंपलिसिटी इज द की टू माई हार्ट, जितनी सिंपल चीजें, जितने सिंपल लोग होते हैं, जितने साफ लोग होते हैं वो मेरे दिल को जल्दी जीत पाते हैं, और देव जो कैरेक्टर था वो मुझे भी इसीलिए पसंद है क्योंकि वो बहुत सिंपल और सोबर था, बहुत ही सिंपलिसिटी ट्रांसपेरेंसी वाला कैरेक्टर था। नील आपको क्या लगता है अभी जो हमारा कंटेंट कंजम्पशन है या फिर जो कंटेंट प्रोड्यूस हो रहा है इन द टेलीविजन इंडस्ट्री वो प्रोग्रेसिव है या फिर कहीं ना कहीं देयर आर शोज व्हिच आर स्टिल रिग्रेसिव? या नो नो, सम देर आर सम शोज, सिर्फ शोज प्रोड्यूस करना मुझे लगता है जस्ट पैसा कमाने के लिए वो तो हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है इट्स अ बैलेंस ईयर, कुछ चीज़ें बहुत ही अच्छी हो रही हैं, कुछ चीज़ें खराब हो रही हैं जो कि हमेशा से होती रही हैं, कई फिल्में आती हैं यू नो साल में, कुछ अच्छी होती हैं कुछ खराब होती हैं, तो कोई भी खराब चीज़ बनाना नहीं चाहता, इट्स जस्ट दैट प्रोड्यूसर्स एंड क्रिएटिव्स दे पुट देयर आइडियाज, न्यू आइडियाज, एंड सम वर्क सम डोंट वर्क, सो इसमें गुड बैड कुछ भी नहीं है, और मुझे लगता है कि टेलीविजन अभी इवॉल्व कर रहा है बिकॉज हर एस्पेक्ट में, डायरेक्शन हो या क्रिएटिव लेवल हो या एक्टर्स हो, सब बड़े नेचुरल और सटल होते जा रहे हैं, तो मुझे वो चीज बहुत अच्छी लग रही है कि इवॉल्व हो रहा है, वो पहले जैसा नहीं है कि नहीं टेलीविजन इंडस्ट्री में एक बहुत ज्यादा डिबेट वाली चीज हमारे सामने आ रही है, दैट इज अ कन्वर्सेशन की टीवी की जो एक्ट्रेसेस है एट द मोमेंट दे डजंट वांट टू प्ले अ मदर ऑफ अ ग्रोन अप किड, व्हिच इज क्वाइट फेयर आई बिलीव, बट एज बीइंग अ मेल एक्टर आपका क्या अप्रोच है इसकी तरफ कि आपको ग्रोन अप किड का डैड प्ले करने का अगर मौका मिलता है और पैसे भी अच्छे खासे मिल रहे हैं तो विल यू गो अहेड फॉर दैट? मुझे बहुत ऑफर्स आए पहले, बहुत आजन कभी बड़े भाई के आए हैं, ऐसे बहुत बहुत नहीं आए, मोस्टली मुझे लीड के लिए आते हैं कॉल्स, लेकिन ऐसे भी कॉल्स बीच बीच में आते रहते हैं, मुझे लगता है इट्स नॉट अ राइट टाइम फॉर मी टू डू, आई हैव नेवर विजुलाइज माई सेल्फ प्लेइंग अ फादर ऑन स्क्रीन, एंड इसमें ये नहीं कहता इसमें कुछ बुरा है, कई बार ये होता है कि ऐसे रोल्स करने के बाद भी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, कि पहले होता था कि आप टाइप कास्ट हो जाते थे कि नहीं अब इसको हमेशा, अभी भी है ये हाँ, कि अगर आप नेगेटिव अच्छा कर लेते हो तो आपको सिर्फ नेगेटिव के लिए कॉल करेंगे, यू नो होता है, लेकिन जैसे मैं मानता हूँ इट्स ऑल अबाउट योर लक, इट्स ऑल अबाउट डेस्टिनी, तो कई बार होता है कि मे बी दिस इज नॉट द राइट टाइम फॉर यू टू प्ले अ हीरो, एंड आज आप शायद नेगेटिव कर रहे हो जो आपको नहीं करना है, शायद किसी को भी या कोई भी टाइप का रोल नहीं करना है, हो सकता है जब आपका वक्त बदलेगा तो जब अच्छी चीजें होंगी आपकी लाइफ में और ज्यादा तो आपको एज अ हीरो प्रेजेंट किया जाएगा,
सो इट्स नथिंग गुड और बैड, बट हाँ टाइप कास्ट किया जाता है, स्पेशली फीमेल्स को ज्यादा किया जाता है, मैंने देखा है एक्ट्रेसेस को. तो ये है, बट यू कैन नॉट चेंज एनीथिंग, इट्स ऑल डेस्टिन्ड. डेफिनेटली. वन मोर थिंग, आर यू समवन हु इज ओपन फॉर रियलिटी शोज? आप रियलिटी शोज करना पसंद करेंगे? And in that regards, I want to know as be specific with Big Boss, like a show जहाँ पर आपकी role personality नजर आती है. So see, I am personally a very peace lover kind of a guy. I'm a peace lover. I saw that. So मुझे हंसना, हंसाना, मस्ती करना, खुशियाँ बांटना, positivity रखना हर जगह, वो बहुत ज़्यादा पसंद है. बिल्कुल. Big Boss के मैं कुछ episodes देखा था मैंने last season के भी. बहुत झगड़ा होता है, मारना वारना होता है, एंड यू नो मैंने कभी क्राइम शोज भी नहीं देखता हूँ मैं. उसका रीजन ये है, सालों से जबकि मैंने किए हुए हैं CID, क्राइम पेट्रोल और बहुत सारे, मैंने खुद के भी एपिसोड्स नहीं देखे. जब हम रात में सोते हैं तो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ सोना और उठना बहुत इम्पोर्टेंट है. इट अफेक्ट्स यू वेरी बैडली, वेरी डीपली. सो बिग बॉस में जो झगड़े होते हैं, जब मारा पीटी होती है, मुझे लगता है काफ़ी इम्पैक्टफुल होता है वो एक ह्यूमन दूसरों पे बेसिकली. तो वो चीज मुझे नहीं पसंद.